का किसान यूनियन पिहोवा ने मार्केट कमेटी के नाम ज्ञापन सौंपा। यूनियन की तरफ से एक मांग पत्र मार्केट कमेटी सचिव के नाम देते हुए कहा कि धान की सरकारी खरीद तुरंत चालू की जाए, मौसम खराब होने की वजह से धान में नमी व काले दाने के मानदंड में छूट दी जाए, धान की तुलाई में क्रॉस चेकिंग की जाए, प्रत्येक लाइन में कम से कम 10 दुकानों पर कट्टों की दोबारा तोल कर चेक किया जाए, रात के समय गेट बंद किया जाए, केवल किसानों के लिए या ट्रकों के लिए ई गेट को खोला जाए ताकि आवारा पशु अंदर न आ सके, नए भातावर घोषणा को लागू करने का प्रयास किया जाए, लिफ्ट से उतारी फसल की उतराई मजदूर किसानों को न लगाई जाए, सीसीटीवी कैमरा लाइट और उचित सफाई के लिए कार्यवाही की। जो ट्राली अनाज उतरता है लिफ्ट वाली ट्राली से, उसकी जो लेबर फार्मर से चार्ज की जाती है, वो जो लेबर है वो उसको बंद किया जाए और जो शेड है वो खाली किया जाए ताकि अपना अनाज सूखी जगह सूखा रहना चाहिए और सूखी जगह पे उतार सके फार्मर, ये हमारी मांगे हैं। चालू किया जाए वह उसकी नमी में कुछ और जो उसके अनाज के ग्रेन में है जो कुछ डिस्कलर हुआ है मौसम की वजह से, उसमें कुछ छूट दी जाए। मार्केट कमेटी के एरिए में, मंडी के एरिए में, नई मंडी में, पुरानी मंडी में, दोनों मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और जो जाने अनजाने लोग और पशु जो आते हैं उनकी रोकथाम का प्रबंध किया जाए और भावांतर की जो स्कीम पिछले साल से लागू की गई है सरकार के द्वारा, अभी तक लोगों को उसमें आलू के लिए जो जिन्होंने अप्लाई किया था उनको पैसे नहीं मिले, उनका भुगतान किया जाए और नई जो स्कीम है वो जिस तरह भी है वो सारे गाँव में उसका प्रचार किया जाए, जो ज्ञापन है वो लिया जाए और हमारा जो मांगे हैं उनको समय निर्धारित समय के बीच में ये पूरा किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आपका अगला पड़ाव क्या होगा? थोड़ा अभी छुट्टियां हैं, ये हम भी मानते हैं 2 अक्टूबर तक छुट्टियां हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो सरकारी जिनमें कागजी कार्रवाई काफ़ी करनी पड़ती है, वो सरकार की तरफ से किसी तरह की ढील नहीं, हमारे को उम्मीद है ढील नहीं होगी क्योंकि सरकार ने पहले से कहा हुआ कि हम इंतजाम कर रहे हैं लेकिन धरातल पर अभी कुछ नहीं है, तो ये मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब से बात करके पता लगेगा।